अभी ना मैं आपकी लाइफ के वो छिपे हुए सीक्रेट खोल दूंगा। जो लोग रियलिटी को सुनने की हिम्मत रखते हैं वही इस वीडियो को देखना। वैसे अगर आप ये बात जान गए तो आपके अंदर कुछ एक्साइटमेंट जागेगा, वो कुछ भी हो सकता है, पता चल जाएगा आपको। और क्यों मैंने ऐसे बोला है कि इस वीडियो को बंद कमरे के अंदर देखना, और मुझे नहीं पता है कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा एक और बात, जो लोग इस वीडियो को छोड़कर बीच में चले जाएंगे ना वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए जिसको जाना हो वो अभी चले जाए। चले गए, अब ठीक है इस वीडियो की बात करता हूँ। मान लो आज के दिन आप कहीं गए थे अपने दोस्तों के साथ और आपने हमारे कुछ सुट्टे, यार भाई वो क्या लाइफ है, पूरे दिन भर में खूब इंजॉय किया, उसमें पॉजिटिव आपके लिए कुछ भी नहीं है, सब नेगेटिव में जो इंजॉय दिया आपको। और रात को आए आप अपने कमरे में और वहां पर आप अपने दिन को याद करते रहे, यार आज का दिन क्या था मेरे लिए, काश भगवान हर एक दिन मेरे लिए ऐसा हो। और आपको जब तक नींद नहीं आएगी उसी चीज को आप बार बार याद करते रहेंगे, यानी कि जो आपके माइंड में कचरा है ना सारा उस रूम में है, उस कमरे में आप निकाल रहे हैं। और कुछ लोग जो स्कूल और कॉलेज वाले है ना, पास में एक लड़की दिखाई, वो देख भाई क्या माल जा रहा है, अपने दोस्तों को बोलते हैं देख भाई ऐसा होना चाहिए, इसे ना मैं पिटा के रहूंगा, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। और उसके बारे में सोचने से अपने माइंड में वो अश्लील थॉट लाते हैं। फिर जब वो अपने घर में या जिस रूम में होते हैं वहां पर आते ना तो वो ही दिन याद करते हैं, यार आज मुझे वो दिखाई दी, उसने ऐसा ठुमका मारा था, वैसे चल रही थी, सब कुछ याद करते हैं, मतलब पूरा दिन में जो हुआ उसको याद करते रहते। और वो सब कचरा भी आपने उस कमरे में डाल दिया। और फिर पता है क्या होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, आप उस कमरे को देखते हैं, यार ये कमरा बड़ा यादगार है, इस कोने में जब मेरा ब्रेकअप हुआ था इस कोने में मैंने सुट्टा मारा था, और जब मैंने उस लड़की को देखा था वो अश्लील विचार आए, मैंने यहाँ पर अपने हाथों से वो गलत काम किया था। ऐसी बहुत सी मेमोरीज होती है आपके कमरे में जो कहीं और से लाते हैं और डाल देते हैं उस कमरे में, नहीं समझे ना आप। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपकी लाइफ जो भी है ना, सिचुएशन जो भी है, उसका 80% रीजन आप ये भी मान सकते हैं कि जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो कैसा है, वो आपको पुरानी बातें याद दिलाता रहता है। कोई लोग अपने बिस्तर में सोते हैं, वहां पर बहुत दिनों से वो गलत काम करते आ रहे हैं और याद आ रहा है यार मुझे फिर से करना है, वो ये बर्बाद हो रहा है। कुछ लोगों की जो स्मोकिंग की आदत है, अगर उनका स्मोकिंग खत्म हो जाए ना फिर बोलते हैं यार मैं तो यहाँ पर बहुत सुट्टे मारता था, आज खत्म हो गया, मैं कहाँ से लाऊं। आप जिस जगह पर रह रहे हो ना, आज तक आप वहां पर कर क्या रहे थे, अगर दूसरे दिन वो आपको नहीं मिलेगा तो ना आपको नींद आएगी ना आपका मन लगेगा, बोर हो जाओगे, आपको वही चाहिए जो आज तक आप करते आ रहे हैं। और एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कभी आप किसी दूसरे के घर जाते हैं जिसका रूम बिल्कुल साफ रहता है, वहां पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है ना, वो गलत करने का मन करता है क्योंकि आप एक नए माहौल में रह रहे हैं और माइंड भी कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है, सोच रहा है। अगर आप उसी जगह बार बार रहते हैं फिर आदत भी बन सकती है। लेकिन क्या करे यार, लोग ना सिर्फ सुनना तो चाहते हैं, करना कोई नहीं चाहता है। वो क्या है, मैं कहता हूँ पहले ये जो रॉन्ग हैबिट है इसे स्टॉप करना चाहते, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अगर तुम अपने लिविंग को चेंज करोगे ना उसके बाद तुम खुद बदलने लगोगे। आप अपने रूम को गंदा रखते हैं फिर आप भी गंदे हो जाओगे। उसमें थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, यानी कि अपने कपड़ों में, ड्रेसिंग में, आपका चलने का स्टाइल, रात को मोबाइल फोन देखने की आदत है तो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखते, मतलब जो करते हैं ना उसमें थोड़ा बदलाव लाते हैं तो आप में भी बदलाव आएगा, जरूर आएगा। अगर आप अकेले में हो, बहुत अजीब लगता है अपने बारे में, लोगों के बारे में गलत सोच आती है माइंड के अंदर, तो भाई पहले ना जहाँ पर तुम रह रहे हैं उसमें कुछ बदलाव लाओ, तुम खुद बदलने लगेंगे। बदलाव लाने का मतलब समझ रहे हो, तुम जहाँ पर सो रहे हो, रह रहे हो, सफाई रखो और फिर तुम खुद अपने आप भी साफ रह जाओगे, गलत थॉट नहीं आएंगे। जब तुम्हारे माइंड को ये पता चलेगा ना कि मैं काम कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपनी सफाई रखता हूँ, वो गलत थॉट नहीं आएंगे। कल आपके अगर एग्जाम है तो आपको थोड़ा डर लगेगा, टेंशन होगी, माइंड को डर रहेगा, तो आप ना खाना खाओगे ना अच्छे से सो पाओगे। और जब आप खुश होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं, तब आपको भूख भी लगती है, सोना भी चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। और जब कोई काम करना है जो बहुत जरूरी है तब डर लगता है, भूख भी भूल जाते हैं, यार मुझे भूख लग रही है। ये क्यों होता है, क्योंकि आपका माइंड कहीं बिजी है और इसी तरह से वो कुछ सोच रहा है कि मुझे ये काम करना है। और अगर आप अपने साथ कुछ ऐसा करते तो माइंड आपका सोचेगा कि मैंने कुछ सही किया है, वो उसमें बिजी हो जाएगा, फिर गलत थॉट नहीं आएंगे। और देखना आप में बदलाव क्यों नहीं आएगा, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आगे आपकी मर्जी, जिसको बुरा लगा हो अच्छा लगा हो